नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा 2023 मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर हरिप्रसाद शर्मा का बड़ा बयान, CHO भर्ती पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा। हम इसमें लगातार लगे हुए हैं, लेकिन वर्तमान सिचुएशन में यह है कि बहुत सारे कर्मचारी जो IEA होते हैं और मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो कल से हड़ताल पे हैं, तो निश्चित रूप से देरी होने की संभावना है। तो और लगभग 78,000 ऑब्जेक्शंस आए थे, तो उन ऑब्जेक्शंस के बारे में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेना, उन क्वेश्चंस का निर्धारण करना, उनके आंसर्स का एक लंबी प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से समय लगने की संभावना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये केवल राजस्थान में ही परंपरा है कि किसी भर्ती एजेंसी पे रिजल्ट जल्दी जारी करने का दबाव डाला जाता है, वरना किसी भी भर्ती एजेंसी पे अनावश्यक दबाव कोई नहीं बनाया जाता कि परिणाम जल्दी जारी किया जाए। परिणाम सही होना चाहिए, बिल्कुल प्रक्रिया पूर्ण करके होना चाहिए। सर, CHO भर्ती का पेपर भी बड़े स्तर पर लीक है, क्या सरकार इस परीक्षा को दोबारा करवाएगी? CHO का अब जैसा है कि इस मामले में निश्चित रूप से राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित हो पाएगी। आप लोगों ने और वार्ता भी की थी इसको लेकर के, अभी तक कोई। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।